सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, यहाँ पे बता दूँ कि फाइनली आप लोगों का जो BGMI और पबजी मोबाइल है, इसके अंदर आप लोगों का रैंक्ड अरीना या फिर आप लोग लैडर अरीना बोल लो, आ चुका है। और गाइस, यहाँ पे आप लोगों को इस बार मिलने वाला एक परमानेंट के लिए अवतार चिकन वाला, एंड उसी के साथ गाइस यहाँ पे आप लोगों को कुछ टाइटल मिलने वाला है, एंड इसके अलावा आप लोगों को काफ़ी सारे कूपन्स भी मिलने वाले हैं। तो सारा कुछ कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से डिटेल में बात करूंगी। और अभी फिलहाल के लिए जब मैं ये वीडियो को बना रही, इस टाइम पे जो यहाँ पे आप लोग का लैडर अरीना या फिर रैंक अरीना वो चीज़ नहीं आया हुआ है। बाकी सुबह में जैसे ही मैं वीडियो को डाल दूंगी 7:30 बजे, तब तक आप लोगों का ये जो रैंक अरीना है अनलॉक हो गया रहेगा। यानी कि जैसे ही आप लोग वीडियो को देख के जाओगे खेलने गेम के अंदर, उस टाइम आप लोगों का अनलॉक हुआ हुआ रहेगा। और बाकी गाइस यहाँ पे देख लो, आप लोगों का जो रैंक अरीना है इसके अंदर मेरा जो दिखा रहा है Silver 4, यानी कि जिनका जो सिल्वर था, जिनका जो भी टीयर था, उसी के हिसाब से दिखाया जा रहा है। मतलब कि आप लोगों का जिस तरीके से क्लासिक मैच के अंदर रैंकिंग रहता है, सिंपल उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों का रैंकिंग दिया गया था पहले भी जब आया था उस टाइम पे, एंड इस टाइम पे भी जो पिछली वाली रैंकिंग थी वो सेम चीज़ को यहाँ पे डाल दिया गया। क्योंकि पिछली बार मैं थोड़ा बहुत खेली थी रैंक अरीना, इसलिए मेरा जो यहाँ पे Silver 4 है। बाकी आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताओ कि क्या आपका भी कुछ अलग अलग तरीके का टीयर दिया हुआ है। और पहले तो चलो यहाँ पे हम बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स के अंदर हमको ये बोला गया है कि जिस तरीके से आप लोग अपना क्लासिक मैच खेलते हो रैंक्ड के अंदर, बस उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों का रैंकिंग सिस्टम है। यानी कि अगर आप लोग का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है तो आप लोगों का रैंकिंग गिर भी सकता है, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो आप लोगों का रैंकिंग इंक्रीज भी होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे आपका मैच कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ही आप लोग मैच को स्टार्ट करोगे तो किसी भी जगह का, किसी भी मैप का आप लोगों का कोई एक लोकेशन दिया जाएगा जहाँ पे आप लोगों को फाइट लेना होगा इरेंगल मैप के अंदर। मतलब इरेंगल में आप लोगों को कोई छोटी सी जगह दे दी जाएगी, एंड वहाँ पे ही आप लोगों को फाइट करने के लिए बोला जाएगा 4v4 में। और जैसे ही गाइज यहाँ पे अगर आप लोग मैच को विन कर लेते हो तो आप लोग का टीयर अप होता है। अब जैसे जैसे आप लोग का टीयर अप होता जाएगा, जैसे कि ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, क्राउन और एस तक, तो जैसे ही आप लोग एक बार एस तक चले जाओगे तो आप लोग को कुछ अदर ही रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो क्या रिवॉर्ड है उसके बारे में बताऊँगी। और नीचे बोला गया है कि आप लोग का जो गोल्ड टीयर है एंड डायमंड टीयर है उसमें आपको कुछ अलग के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, तो वो रिवॉर्ड्स चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो आप लोगों का जो गोल्ड टीयर है, इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाला है टोटल एक कूपन जो कि है क्लासिक रेट का। तो जैसे आप लोग गोल्ड पहुंचाओगे आपको मिल जाएगा। फिर आप लोगों को देखो अवतार मिलने वाली है जैसे ही आप लोग डायमंड पहुंच जाते हो उसके बाद, एंड नीचे में देखो जैसे ही आप लोग 1000 रैंकिंग के अंदर आते हो तो आपको ये टाइटल मिलने वाला है। यानी कि जिस दिन आप लोगों का इवेंट ख़त्म होने वाला रहेगा उसी दिन आप लोग टॉप 1000 में आ जाते हो, तो आप लोगों को ये वाला टाइटल जो है काफ़ी ईजिली मिल जाएगा। और इसके अलावा देखो आप लोगों का कुछ इवेंट ऐसा भी आ सकता है जिसके अंदर आप लोगों को कार्ड मिले रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड, और ये कार्ड यहाँ पे आप लोगों ने पहले खेला होगा तो आपके पास होगा भी कुछ इस तरीके का ईवो रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड वन टाइम। इस तरीके से आप लोगों को ये वाला कार्ड जो है शो होगा आपके इन्वेंट्री में। तो ये है गाइस आप लोगों का कंप्लीट इवेंट जो कि मेरी वीडियो डालने तक आ चुका रहेगा। तो उसके बाद से आप लोग जो है काफ़ी ईजिली खेल पाओगे, और जितना भी आपका मिशन है अगर इवेंट आ जाता है तो उनको आप लोग काफ़ी ईजिली कंप्लीट कर ही लोगे, काफ़ी इजी मिशन आया हुआ रहेगा। तो ये थी गाइस आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रिवॉर्ड से लेके सब कुछ। और अगर आपको समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो अभी के अभी। एंड यही था वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।